मेरा फैसला तुम्हारे हक में है। क्या? नैना, तुम सच बोल रही हो? अस्सलाम वालेकुम अजान साहब। आप तभी, मैं एक बार फिर अकेला रह गया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अबिया है तो सही आपके पास? सबसे बढ़ के आपकी मम्मी है ना आपके साथ? मॉम वापस जा रही है। नवीन वापस जा रही है, मगर क्यों? शायद वो इस घर में एडजस्ट नहीं कर सकी, या शायद ये घर उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सका, इसलिए वो वापस अमेरिका जा रही है। लेकिन इसके लिए अमेरिका जाने की क्या जरूरत थी? वो अलग घर लेकर भी। मैंने भी उनसे यही कहा था, मगर वो कहती थी कि एक ही शहर में रहते हुए यकीनन मैं उनसे मिलूंगा तो सही, और यही बात फसाद की जड़ बन सकती थी। ये सब कुछ अबीहा की वजह से हो रहा है अजान। हाँ तुम कह सकती हो, मगर मैं अभी उसे इल्जाम नहीं देना चाहूंगा। शायद हर औरत ही अपने घर पे अपनी इजारादारी रखना चाहती है। हाँ ये बात तो है अजान। बहरहाल आप सब्र करें, हौसला रखें, आगे सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज। तुम पर तंस नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। मैं लिफ्ट ही नहीं करवा रही हूँ। नहीं एक्चुअली वो मेरा सारा ध्यान फाइल पे था। अब तो हमारी तरफ है ना आपका ध्यान? जी हाँ पूरे तरीके से। कहिए आज आप क्या कहने आई हैं? आज मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ नवीन। तो मैं आपको क्या लड़ने के मूड में नजर आ रही हूँ? देखो नवीन, आज तंस मत करना, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। फिर से यही बात बताने आई होंगी कि आज भी अजान किसी लड़की के साथ मौजूद है ना? वो कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं रहा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता है। What? अभी हाँ तुम दोबारा? नहीं नवीन प्लीज, मैं तुम पर तंस नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। अजान चाहे मेरा शोहर है, लेकिन आज भी उसकी सारी मोहब्बत, सारी तवज्जो का मरकज सिर्फ तुम थे और हो। लेकिन मैं उससे अपना हर रिश्ता, अपना हर ताल्लुक खत्म कर चुकी हूँ। नहीं नवीन, मगर मैं जानती हूँ तुम आज भी अजान को अपने दिल से नहीं निकाल सकी हो। मैंने उसे अपने दिल से निकाल के बाहर फेंक दिया है। अच्छा तो बताओ, आज तक उसकी जगह पर क्यों नहीं कोई आया? तुमने आज तक क्यों नहीं शादी की? और जावेद जैसा मुखलिस इंसान का साथ तुमने क्यों छोड़ा? बोलो नवीन। ये मेरा जाती मामला है। नहीं नवीन,
ये कहकर तुम अपनी जान पर जुल्म नहीं कर सकती। मैंने जितना जुल्म तुम दोनों पर किया है उसके बाद तो मेरा जमीर मुझे चैन से बैठने भी नहीं देता। क्या बात है अबीहा, आज तुम्हारा लहजा बहुत बदला बदला सा लग रहा है। हाँ नवीन, आज मैंने प्यार मोहब्बत और साथ का मतलब समझ लिया। तुमने अजान का बिजनेस बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी और मैं अब तुम दोनों को मिलाने के लिए तुम दोनों से दूर जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? अजान कभी भी नहीं मानेंगे। मैं जानती हूँ वो शरीफ आदमी कभी नहीं मानेगा, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि जो भी मैं चाहती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी तुम दोनों को दूर नहीं कर सकी और आज मैं तुम दोनों से बहुत दूर जा रही हूँ। नवीन, मेरी बात को झूठ मत समझना। पापा के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ और अब इस मुल्क में मेरा दिल नहीं लगेगा। मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। तुम्हें तुम्हारा अजान मुबारक हो। अगर तुम ये कहो ना कि सूरज मगरिब से निकल आया है तो शायद मैं मान लूं, मगर अबिया और पछतावा नामुमकिन, ये मैं मान ही नहीं सकती। ये भी उसकी कोई नई चाल होगी। प्लीज मत करो ऐसी बातें। करने दें अजान, मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे शादी सिर्फ मजबूरी के बना पे की थी और मैंने उस मजबूरी का बहुत नाजायज फायदा उठाया। हसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे